राजस्थान के बारां छिपा बलौद उपखंड एवं तहसील मुख्यालय स्थित कस्बा क्षेत्र में साप्ताहिक मंगलवार को लगने वाले हाट बाजार में भारी भीड़ के बीच होकर छबड़ा से रवाना हुई मजदूर किसान जोड़ो यात्रा का काफिला, जिसमें कढ़ैया बन ग्राम पंचायत के सरपंच धर्मा धाकड़ की अध्यक्षता में छपरा से एग्रो दुपहिया व दुपहिया वाहनों से रैली निकाली गई। इसका मुख्य उद्देश्य युवा मजदूर बेरोजगार किसानों के साथ सरकार द्वारा जो किया जा रहा है, जो सौतेला व्यवहार एवं दोगलापन किया जा रहा है, को जोड़ने के लिए और उन्हें मजबूत करने के लिए हर माधवगढ़ द्वारा मजदूर किसान जोड़ो यात्रा निकाली गई। यात्रा छिपा बड़ौद विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय छपरा से रवाना होकर सड़क से होती हुई स्टेट होती हुई सीधा हाट बाजार पहुंची। वहीं दूसरी ओर हाट बाजार में होकर निकल रही लहासी नदी की निर्माणाधीन पुलिया पर लगे बैरिकेटिंग को हटाकर मजदूर किसान जोड़ो यात्रा के काफिले को निकाला गया। रैली में शामिल छबड़ा छिपा बड़ौद विधानसभा समेत अन्य कई क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। भाजपा के नाम से और करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का ये केसीसी के नाम से हमारा बीमा क्लेम खा जाते हैं। आज जो मजदूर किसान जोड़ो यात्रा है, तो इससे आपका रैली से क्या उद्देश्य है साहब? ये सिर्फ किसानों और मजदूरों को जागरूक करने के लिए है कि आप हमेशा ही लूटते आए हो, जबकि आप मेहनत कश लोग हैं, हम इनको जागरूक करना। आप सभी वार्ड संख्या 10 टेढ़ी बाजार के सम्मानित नगरवासियों को आपके भाई, आपका बेटा, आपके सेवक का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आपका भाई, बेटा व सेवक एक बार फिर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है कि साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर उसे अपने आशीर्वाद से संचित करें। काम किया है, काम करेंगे, आप सभी का सम्मान करेंगे। अपने नाम में क्या रखा है, अपने वार्ड का काम करेंगे। आपका सेवक उमेश चंद्र मिश्रा उर्फ मदारी, वार्ड संख्या 10 टेढ़ी बाजार, बलरामपुर, जिला बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9919929433। बलरामपुर में 25 दिसंबर को गोंडा गोरखपुर रेलवे लाइन भाथर रेलवे क्रॉसिंग से करीब 100 मीटर की दूरी पर सरयू नहर पर बने रेलवे पुल पर ग्राम बिशुनपुर कोंडर थाना व ब्लॉक पंच पेड़वा तहसील तुलसीपुर के निवासी प्रभु पाल तथा बालक राम पाल की लगभग 90 भेड़ों की प्रातः लगभग 6 बजे गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी रेलगाड़ी से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। प्रभु एवं बालक रामपाल अपनी भेड़ों को तेंदुए तथा बाघों के हमले से बचाने के लिए अपने गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर भाथर चौराहे के पास स्थित मैदान में लगभग 2.5 माह से अपने 145 भेड़ों के साथ रह रहे थे। 25 दिसंबर को प्रातः लगभग 6 बजे वहां पर कुछ आवारा कुत्तों ने भेड़ों पर हमला कर दिया, जिससे भेड़ें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगी और लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित सरयू नहर पर बने रेलवे पुल पर चढ़कर भागने लगी। तभी गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी रेलगाड़ी आ गई, जिसे कटकर लगभग 90 भेड़ों की मौत हो गई। प्रभु एवं बालक रामपाल गड़रिया जाति के गरीब व्यक्ति हैं, जो भेड़ों का कारोबार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। भेड़ों की मौत से इस परिवार की अपूर्णनीय क्षति हुई है। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर जनपद बलरामपुर क्षेत्रवासियों को अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भैया भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का प्रणाम। आप सभी से निवेदन है, कमल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपने आशीर्वाद से संचित करें और अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भाई आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर बलरामपुर भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाए। राजस्थान के बारां छिपा बड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत पछाड़ द्वारा मंगलवार राजा कोटिया भील की मूर्ति का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा FFC योजना 1 करोड़ का कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उर्मिला जैन भाया, जिला प्रमुख अध्यक्षता सरपंच सरिता शर्मा, ग्राम पंचायत पछाड़ विशिष्ट अतिथि मूलचंद शर्मा, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी बारा छिपा बड़ौद प्रदीप काबरा, जिला परिषद सदस्य इंटरलॉकिंग नाला निर्माण कार्य सुलभ शौचालय अधिकारियों का लोकार्पण किया गया। 25 वर्ष में पहली बार ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बह रही है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरपंच द्वारा क्षेत्र में विकास की गति लगातार बढ़ती जा रही है। कोटा का निर्माण करने वाले राजा कोटिया भील की मूर्ति का लोकार्पण किया गया, जो छिपा बड़ौद तहसील में प्रथम गांव है। ग्राम पंचायत पछाड़ द्वारा कोटा संभाग में पहली ग्राम पंचायत पछाड़ ग्राम मियाड़ा में कोटिया भील की मूर्ति का लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष रेवती रमण घेरा,
दिग्विजय सिंह गुर्जर, महेंद्र सिंह चौधरी, सुरेंद्र प्रधान, ब्रजराज मीणा, द्वारका लाल धाकड़, सत्यनारायण नागर, ग्राम पंचायत के समस्त जनप्रतिनिधि, क्षेत्र में कार्यरत हजारों की तादाद में ग्रामीण वासी, महिला पुरुष बच्चे पहुंचे। जिला प्रमुख द्वारा आदिवासी भील गांव में पहुंचकर राजा कोटिया भील की मूर्ति का लोकार्पण किया गया। तो आए दिन वो महीना पंद्रह दिन में जिला परिषद आ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ काम जो भी होता है वो आप बताओ। तो उसके तहत हमें एक आश्रम का भी खोला था, उसका भी आज शुभारंभ किया, स्कूल का भी है और भी जो काम आज जैसे स्कूल का भी बोला इन्होंने, ये जो चार तीन साल में उन्होंने इतना काम करवा दिया है कि शायद भी ना मुमकिन है काम, फिर भी ये एक्टिव है, बहुत काम करा रहे हैं। जिन्होंने कोटा को स्थापित किया था रावण का, मेरे को आज मौका मिला, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। जिन्होंने बलिदान दिया कोयला बसाने में, ऐसे राजा का इंडिया हमने आज किया, हम सबको उन्हीं की बातों का अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन में उतार। आप सभी वार्ड संख्या 10 टेढ़ी बाजार के सम्मानित नगरवासियों को आपके भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपके सेवक का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आपका भाई, बेटा व सेवक एक बार फिर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है कि साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर उसे अपने आशीर्वाद से संचित करें। काम किया है, काम करेंगे, आप सभी का सम्मान करेंगे, अपने नाम में क्या रखा है अपने वार्ड का काम करेंगे। आपका सेवक उमेश चंद्र मिश्रा उर्फ मदारी, वार्ड संख्या 10, टेढ़ी बाजार, बलरामपुर, जिला बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9919929433। राजस्थान सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस प्रवक्ता लियाकत अली रहे। अध्यक्षता सरपंच साहिबा अलका सिकरवार ने की। ग्राम सभा में लियाकत अली जी ने 4 साल बेमिसाल सरकार के कामकाज को बताया। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की पुस्तकें वितरण की गयी। योजनाओं के बारे में विस्तार से ग्राम वासियों, ग्राम पंचायत के मेंबरों को सरकार की विशेषताएं बताई। सरकार योजनाओं के लाभ आमजन, गरीब, किसान, मजदूर के हर घर पहुंचे। इस मौके पर ग्राम सेवक ईश्वर चंद, ब्रजेश, रोहित सिकरवार, वार्ड मेंबर, ग्रामवासी मौजूद रहे। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर जनपद बलरामपुर क्षेत्रवासियों को अरुण देव आर्य, कशोधन उर्फ बबलू भैया, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का प्रणाम। आप सभी से निवेदन है, कमल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपने आशीर्वाद से संचित करें और अरुण देव आर्य, कशोधन उर्फ बबलू भाई, आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर बलरामपुर भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाएं। जनपद कासगंज के थाना प्रभारी पटियाली के कार्य पर सवाल उठाते हुए भारतीय किसान यूनियन भारत ने राज्यपाल संबोधित ज्ञापन सौंपा। क्षेत्राधिकारी डी के पंत, राज्यपाल संबोधित ज्ञापन क्षेत्राधिकारी डी के पंत को सौंपा है, जिसमें संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप माथुर पर हुए हमले के मामले में क्रॉस कार्यवाही को लेकर थाना प्रभारी पर आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन में थाना प्रभारी को हटाने की मांग की गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय समस्याओं समेत ज्ञापन में 6 बिंदु शामिल किए गए हैं। ये भारतीय किसान भारत के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप माथुर, ग्राम प्रधान श्रीनंगला और प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ कुछ तथाकथित लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने मारपीट करके उन्हें अगवा करने की कोशिश की थी, जिसमें प्रशासन ने मुकदमा लिखाया था और उसी के क्रॉस में एक मुकदमा 354 का झूठा लिख दिया था प्रशासन ने दबाव में आकर के, उसको ख़त्म करके दोषियों को जेल भेजा जाए तुरंत, ये कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए हमने धरना ज्ञापन दिया था, जिसमें सीओ साहब आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है उच्च अधिकारियों से बात करके मामले का निराकरण कराया जाएगा। कुछ समस्याएँ हैं, कुछ प्रकरण हैं, इन संज्ञान लिया गया है और उच्च अधिकारियों से वार्ता करके शीघ्र ही जो उचित होगा उसमें कार्रवाई कराते हुए किसानों को न्याय दिला जाए।
आप सभी वार्ड संख्या 10 टेड़ी बाजार के सम्मानित नगरवासियों को आपके भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपके सेवक का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आपका भाई, बेटा व सेवक एक बार फिर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है कि साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर उसे अपने आशीर्वाद से संचित करें। काम किया है, काम करेंगे, आप सभी का सम्मान करेंगे। अपने नाम में क्या रखा है, अपने वार्ड का काम करेंगे। आपका सेवक उमेश चंद्र मिश्रा उर्फ मदारी, वार्ड संख्या 10, टेड़ी बाजार, बलरामपुर, जिला बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9919929433। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बॉक्सर आदित्य सिंह ने अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। बता दें, आदित्य सिंह मेरठ के डीएबी पब्लिक स्कूल के छात्र हैं, जिनको मेरठ से राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए झारखंड भेजा गया था। वहां आदित्य सिंह ने बॉक्सिंग फाइटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। बॉक्सर आदित्य सिंह की जीत की खबर जैसे ही क्षेत्र में फैली तो आदित्य सिंह के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर जनपद बलरामपुर क्षेत्रवासियों को अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भैया भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का प्रणाम। आप सभी से निवेदन है, कमल वाले चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपने आशीर्वाद से संचित करें और अरुण देव आर्य कशोधन उर्फ बबलू भाई आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर बलरामपुर भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाएं। सिद्धार्थनगर जिले की एसओजी सर्विलांस और बासी थाने की पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चुराने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 8 बैटरी, चोरी में इस्तेमाल होने वाली पिकअप और 20,000 नगद के साथ चोरी के उपकरण भी बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों अभियुक्त अब्दुल हाशिद और अब्दुल हक सिद्धार्थनगर जिले के निवासी हैं। बैटरी चोरों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए सिद्धार्थनगर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया कि पिछले कई दिनों से सिद्धार्थनगर जिले के मोबाइल टावरों से बैटरी चुराने की घटनाएं सामने आ रही थीं। इन घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए पुलिस और एसओजी की टीमों को इसके अनावरण के लिए लगाया गया। इसी क्रम में आज सुबह बांसी कोतवाली क्षेत्र के काजी रधौली नहर पर स्थित पुल के पास से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके पास से चोरी की 8 बैटरी, 1 पिकअप, 20,000 नगद और 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए। जनपद के थाना बांसी, मोहाना व पथरा बाजार में मोबाइल टावर्स के जो मोबाइल के टावर लगाए गए हैं उसमें बैटरी चोरी की घटनाएं घटित हुई थी, जिसके संबंध में संबंधित थानों पर मुकदमा लिखा गया था। क्योंकि प्रकरण कम्युनिकेशन से जुड़ा था, अतः पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसकी महत्ता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें जनपदीय एसओजी सर्विलांस तथा थाना बांसी के कर्मी सम्मिलित किए गए थे। उक्त टीम द्वारा वैज्ञानिक तरीके से काम करते हुए आज काजी रुदौली पुल के पास से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। आप सभी वार्ड संख्या 10 टेड़ी बाजार के सम्मानित नगरवासियों को आपके भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपके सेवक का प्रणाम। आपसे निवेदन है कि आपका भाई, बेटा व सेवक एक बार फिर से आपके बीच आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप सभी से निवेदन है कि साइकिल वाले चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर उसे अपने आशीर्वाद से संचित करें। काम किया है, काम करेंगे, आप सभी का सम्मान करेंगे। अपने नाम में क्या रखा है, अपने वार्ड का काम करेंगे। आपका सेवक उमेश चंद्र मिश्रा उर्फ मदारी, वार्ड संख्या 10, टेड़ी बाजार, बलरामपुर, जिला बलरामपुर। मोबाइल नंबर 9919929433। सिंगरौली नगर पालिका निगम के परिषद की बैठक में जमकर हंगामा काटा गया। हंगामे के बाद नगर पालिका निगम कार्यालय के सामने महापौर रानी अग्रवाल और एमआईसी मेंबर धरने पर बैठे। आम आदमी पार्टी की महापौर रानी अग्रवाल के प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं बनी। आम आदमी पार्टी की महापौर ने नगर पालिका निगम क्षेत्र में बाजार बैठकी नहीं लेने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर पार्षद और निगम अध्यक्ष ने सहमति नहीं दी। वहीं बाजार बैठकी व्यापारियों से नहीं लेने की मांग कर रहे हैं। परिषद की बैठक में प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने के चलते धरने पर बैठी महापौर और एमआईसी मेंबर। दरअसल सिंगरौली जिले में नगर पालिका निगम सिंगरौली की आज परिषद की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई एजेंडों पर चर्चा की जानी थी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के महापौर रानी अग्रवाल के द्वारा बाजार बैठक की माफ को लेकर विचार पर भाजपा के अध्यक्ष व पार्षदों के द्वारा नगर परिषद में हंगामा किए जाने पर
महापौर और MIC सदस्यों द्वारा नगरपालिका निगम के द्वारा धरने पर बैठी। हम लोग खराब खत्म करते हैं, जनता के जनहित का मुद्दा है तो जनहित के मुद्दे में हम लोग, अगर पब्लिक ने मुझे जनहित के लिए यहाँ पे बैठाया है महापौर बना के, तो जनहित के मुद्दे को लेके ही मैं आगे बढ़ूंगी इस नगर निगम में। अभी आप वहाँ परिषद में छोड़ के आगे क्या कुछ सदन से छोड़ कर अभी परिषद की जो बैठक रखी है, हमारी बातें बैठकी की बातें परिषद में लाई नहीं जा रही है, उसी बात से लोग नाराज हो गए। इसी बात से महापौर हमारी नाराज है, लोग जबरदस्ती करके नहीं छोड़ रहे हैं, कार्रवाई आगे जा रही है।